हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करती हो कि आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सवेरे का टाइम जो है 7 बज चुकी है। मैं यहाँ पे ब्लैक टी बना ली खुद के लिए, बिस्किट के साथ लेती हूँ। आज सवेरे इतनी काम की जल्दबाजी नहीं है क्योंकि आज बेटा का जो है हॉलीडे है। यहाँ पे दूध बॉयल हो चुकी है और साइड में जो है पास्ता बॉयल कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में जो है चीज पास्ता बना रही हूँ बेटे के लिए। पास्ता में बटर डालती हूँ सबसे पहले। बटर गर्म होने पर लहसुन, कुटी हुई लहसुन थोड़ी सी, दो टुकड़ी, ऊपर से जो है टमाटर एक बारीक काट के मिला ली। उसको थोड़ी देर फ्राई कर लेती हूँ। ऊपर से पास्ता ऐड करके थोड़ी देर चला लेती हूँ। थोड़ा सा चुटकी भर नमक और टमाटर केचप ऐड करके थोड़ी देर पका लेती हूँ। ऊपर से जो है चीज ऐड करके ढक के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर पकने के लिए, तो बन जाती है चीज पास्ता। मेरा बेटा जो है ना प्याज नहीं खाता है, इसीलिए किसी में भी प्याज नहीं खाता है। सब्जी या ब्रेकफास्ट किसी चीज में प्याज डालूं तो मुझे प्याज निकाल के देने पड़ता है। यहाँ पे मेरे लिए ब्रेकफास्ट में जो बीट रूट की जूस बना ली, थोड़ा सा काला नमक डाल के। मीठा तो होता नहीं है पर हेल्थ के लिए खाना पड़ता है। तबीयत ठीक नहीं है थोड़े दिन से, इसीलिए मैं खाना भी बहुत नॉर्मल खाना खा रही हूँ। घर का काम जो है होता ही रहता है, बट खुद की जो हेल्थ की बहुत केयर करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी हेल्थ का केयर कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुझे स्कूल जाना है बड़े भैया के बेटा को जो है लेने के लिए। जस्ट आई फ्रेंड्स, आके फ्रीज ड्रेस जो चेंज किया, आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। समर ड्रिंक हेल्दी होती है, बच्चों के लिए भी अच्छी है और बुजुर्ग के लिए भी। अब हम लोग भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही यम्मी होता है और हेल्दी भी है। तो चलिए, यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है। सो कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने, अब इसमें पानी डालती हूँ। पानी मिला के इसको ये जो दूध में डाल देती हूँ। अब इसको डालते ही फौरन चलाना है। यहाँ पे आधा कप चीनी लिया मैंने, थोड़ा देर पकाऊंगी, ज्यादा पकाना नहीं, ज्यादा पकाने से ठीक ज्यादा हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स ऐड की थी फ्रेंड्स, वो क्लिप जो कट हो गई उसके लिए सॉरी। इसको जो है ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने पर बाद में जो है 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ फटाफट। आज लंच में जो है राइस, अंडा भुजी, लौकी की सब्जी और मसूर की दाल है।
थोड़ी सी ठंडी हो गई, इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ। किचन के काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अभी जो है मैं फ्लावर पॉट रख रही हूँ, थोड़े दिन के लिए मैं बैल्कनी में बाहर रखी थी इंडोर प्लांट को, अभी जो आज मैं अंदर लाई हूँ। घर के जो है काम कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे मैं किशमिश कट कर रही हूँ। मेरे पास दो टाइप की किशमिश है, ब्लैक और ब्राउन। ये यहाँ पे मैंने नट्स डाल के पकाया हुआ था, वो क्लिप जो है कट हो गई। हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत बिजी होते हैं काम में और शरीर में बहुत थकान हो जाती है, इसलिए इस तरह की ड्रिंक्स बना के खाने से हम लोग को भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलता है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा। और ऊपर से मैंने नट्स से जो है डेकोरेट किया है, और गर्मी के लिए भी सबसे बेस्ट ड्रिंक है। यहाँ पे मैंने कॉर्न खरीदा था, कॉर्न रख रही हूँ फ्रीज पे जिपलॉक पैक में डाल के, और थोड़ी बहुत जो है मिर्च और धनिया खरीदी थी वो भी रख रही हूँ। दिन के 2 बजे फ्रेंड्स, देखिए कितनी धूप आ रही है, बेड पर भी बहुत ही धूप है, और मुझे कपड़ा भी पटाना है। और ये देखिए मेरा ड्रॉअर वॉलड्रॉप जो है पूरा बिखरा पड़ा है कपड़े से, अभी मैं सब ये पटा के रखूंगी पहले। कपड़ा पटाते पटाते 4 बज गया फ्रेंड, और यहाँ पे मैं फटाफट मैं नाश्ता बना रही हूँ। बेटा को जो है बहुत भूख लगा, मामू बोल रहा है क्विक से बन जाने वाली झटपट सूजी की जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ, छीला रोटी। और बटर को जो है कट करके चीज़ स्प्रेड चीज़ की जो बॉक्स होती है ना उस पर मैं फेंकती नहीं हूँ, वहीं पर बटर लाते वक्त मैं कट करके रखती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों पर। और यहाँ पर मैंने सब्जी भी काट के रखी हुई है, कैप्सिकम टमाटर, और यहाँ पर 1 कप सूजी ली और 1 चम्मच जो इसमें मैदा मिक्स कर ली, और सब्जी जो कट के रखी हुई थी टमाटर गाजर और कैप्सिकम वो रख लेती हूँ। और यहाँ पे ऊपर से जो चिल्ली फ्लेक्स और काला नमक डाल के थोड़ी पानी डाल के फिट लेती हूँ। हाँ
अभी जो है टाइम यहाँ पे रात का 7 बज चुकी है। मैं डिनर की जो है तैयारी कर रही हूँ, प्याज लहसुन अदरक को जो कट कर रही हूँ चॉप करने के लिए। यहाँ पे फिश और चिकन लाई हूँ। फिश की जो है मेरे लिए करी बना रही हूँ पतली से एकदम सिंपल में, और चिकन की जो है मसालेदार ग्रेवी। मेरा बेटा को जो है मसालेदार ग्रेवी अच्छा लगता है। और फिश करी में जो है मैं मूली मिक्स करके बना रही हूँ। इन सब जितनी भी काट के रखी हुई है प्याज टमाटर लहसुन अदरक, इनको जो है चॉप करूँगी पहले। ऑयल गरम होने के ऊपर जो है मेथी मिर्च तेज पत्ता चॉप किया हुआ जो था सब कुछ डाल के मिक्स करके थोड़ी देर भून लेती हूँ। थोड़ी सी खड़ा मसाला, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी और हींग, लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, गरम मसाला, जीरा धनिया पाउडर डाल के जो है भून लेती हूँ थोड़ी देर, और थोड़ा सा पानी डाल के उसको जो है पकने देती हूँ मसाला को। मसाला जो है पक चुकी है। अब ऊपर से जो ऐड करती हूँ चिकन, उसको रख के थोड़ी देर चला के उसको पकने देती हूँ ढक के। यहाँ पे सिंपल सी फिश करी बना रही हूँ। तेल गर्म होने पर ऊपर से खड़ा मसाला तेज पत्ता डालती हूँ, और जो चॉप किया हुआ टमाटर लहसुन अदरक प्याज की जो है पेस्ट थी वो ऐड करके उसके ऊपर जो नमक हल्दी डाल के थोड़ी देर भून लेती हूँ। उसके ऊपर जो मूली ऐड करके थोड़ी देर पका लेती हूँ, और ऊपर से जो है कसूरी मेथी जीरा धनिया पाउडर थोड़ी सी पानी डाल के थोड़ी देर पकने देती हूँ। ये जब पक जाएगा तो ऊपर से जो है फिश रख के फिश बना लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बन जाती है फिश करी। मेरी एक प्यारी से सब्सक्राइबर ने पूछा था डॉगी के बारे में, मैं उनको रिप्लाई दे रही हूँ वीडियो की तरफ से। डॉगी ठीक होके खुद का जहाँ पे रहता था वहाँ पे चला गया। सो गाइज, आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट पे। मैं आज का ब्लॉग इतने में एंड करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।